वेल, आप में से कितने लोग हैं जिसने द लास्ट लाइन डॉक्यूमेंट्री देखी है, जिसे मैंने दो पार्ट में एक्सप्लेन किया है? ठीक है, अगर नहीं देखी है तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए और पहले उन दोनों पार्ट्स को देख के आइए। बात ऐसी है कि द लास्ट लाइन डॉक्यूमेंट्री में ही दुनिया ने सबसे पहले एक ऐसे लायनेस को विटनेस किया जो न सिर्फ एक ब्लडी लीडर थी बल्कि एक डेंजरस कब किलर भी थी, जिसके आतंक से बफेलोस तो क्या दूसरे प्राइड के शेर भी थर थर कांपते थे। और ये लायनेस कोई और नहीं बल्कि सिल्वर आई थी, जिसके बारे में जानने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और चैनल में पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, जिसने मार्टी टाउ के नाक में दम कर दिया था वो थी सिल्वर आई, सारो प्राइड की ब्लडी लीडर सिल्वर आई। और उत्तर से आए इन खतरनाक शेरों ने उसके कब्स के साथ उसके ही इलाके से भगा दिया और उसके प्राइड के शेरों को भी मार दिया। नदी क्रॉस करने के दौरान उसने अपने एक कब भी गंवा दिए, पर वो वापस खड़ी हुई और इस डर में उसने जिंदगी गुजारी कि कब सिल्वर आई लौट आए उसके बच्चों को जान से मारने के लिए। मार्टी टाउ ने जिंदा रहने के लिए बफेलो हर्ड से सामना किया, जिसका लीडर था स्कारफेस, जिसने उसे एहसास दिलाया कि लायंस हमेशा किंग ऑफ बीस्ट नहीं होते हैं। जल्द ही सिल्वर आई नदी क्रॉस करके मार्टी टाउ के इलाके में आ गई, यानी डूबा प्लेन आ गई। ना जाने उसे मार्टी टाउ से क्या दुश्मनी थी, पर जो भी हो, एक आंख ना होने के बावजूद भी सिल्वर आई लायनेस का आतंक पूरे टूबा प्लेन में था, क्योंकि वह कब्स को मारने के लिए चाना जाने लगी। और यही एक प्राइम रीजन था कि सारो प्राइड और दूसरे राइवल प्राइड्स कभी ग्रो नहीं कर पाए। डूबा बॉयज के मौत के बाद कब्स का डेथ रेट मानो आसमान छूने लगा। दोस्तों, मैंने डूबा बॉयज पर भी एक वीडियो सेपरेट बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे इस वीडियो के बाद जरूर देखिएगा। और सिल्वर आई एक विलन बन गई, आए दिन उसकी लड़ाई सबसे होने लगी, पर एक मोमेंट आया जब सिल्वर आई और मार्टी टाउ साथ हो गए। वेल, यह तो डॉक्यूमेंट्री देखकर पता चलेगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, सिल्वर आई के बारे में ज्यादा डिटेल्स तो नहीं है, बट हाँ, वह एक ऐसी लायनेस थी जिसकी हरकतें मिस्टर टी से मिलती थी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि छोटी वीडियो थी और सिल्वर आई की स्टोरी मुझे आप लोग को शेयर करनी थी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा।